हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज़ हो। सो फिलहाल चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस और हम युवराज बैच की क्लासेस में आज मैथ्स डिस्कस करने जा रहे हैं और मैथ्स में हम जनरल अर्थमेटिक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक के डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद सब्ट्रैक्शन से हम उठा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज आपके सामने, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से क्या है। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। बच्चों सुनते जाओ क्वेश्चन। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन इलेक्शन मतलब एक इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, सपोज ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है, दो कैंडिडेट ने पार्ट लिया है। ओके, कह रहा है 987,590 वोट्स वर कास्ट इन ऑल। ओके, मतलब टोटल आपके पास में 9,987,590 वोट्स डाले गए हैं, इतने वोट्स हैं टोटल कास्ट इन ऑल। ओके, चलिए अब देखिए टोटल इतने वोट डाले गए हैं, कास्ट मतलब वोट डालना, कास्ट मतलब वोट डालना। अब इतने में इतने वोट मैं बता रहा हूं कितने, 3,889 वोट कैंडिडेट ए को मिले हैं। किसको मिले हैं? कैंडिडेट ए को, एक कैंडिडेट को। और सुनो भाई साहब, इसके अलावा कुछ वोट इनवैलिड हो गए हैं, क्योंकि जब वोट डाले जाते हैं तो पर्ची में कोई लोग गलत कहीं निशान लगा दिया तो वो वोट इनवैलिड हो गए, मतलब अलग से एक नई वोट की सीरीज बन गई जिसका नाम हो गया इनवैलिड। क्या बन गया? इनवैलिड, मतलब वो ना ए की तरफ माने जाएंगे ना बी की तरफ माने जाएंगे। तो जो इनवैलिड वोट हैं वो हैं कितने, 4,875। बच्चों इतने वोट इनवैलिड हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वोट्स आर पोल्ड इन द फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट, बताओ बी के फेवर में कितने कैंडिडेट है। तो बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को करना भाई। आपके पास देखो टोटल इतने वोट हैं, ओके, और टोटल वोट इतने हैं, इसमें से ए ने इतने ले लिए, इनवैलिड इतने लिए, बच गए कितने। तो भैया पहले क्या करो, इसको और इसको प्लस कर लो। क्या कर लो? इसको इसको प्लस कर लो, और इसमें से जो टोटल है उसमें से क्या करने ला, इस प्लस को माइनस कर लेना। ओके यस, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो वोट हैं 3,889, ये किसके वाले हैं? ए के वोट हैं। और दूसरे कौन से हैं? इनवैलिड वोट हैं। तो बच्चे ये कितने हैं? ये हैं 4,875। चलो इनको प्लस कर लो। सो कितना हो जाएगा, 9 + 5 = 14 हो गया, 8 + 7 = 15 + 7 = 16। ओके, 16 फिर कैरी वन आ गई, 8 + 1 = 16 + 1 = 17 के फिर कैरी वन आ गई, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे आ गया 0 और ये हो गया 3। सो 3,05,764, राइट, 3,05,764 इतने टोटल वोट पड़े हैं। इतने टोटल वोट पड़े हैं, टोटल मतलब किसके किसके साथ, एक ए वाले के साथ और साथ में इनवैलिड वाले। अब बी को कितने वाले हैं, तो टोटल वोट फॉर बी लिखेंगे, टोटल वोट कास्टेड फॉर कैंडिडेट बी। बी कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, देखो भाई टोटल जितने थे 9,87,500 कितना भाई, 90,590। ओके, और उसमें से माइनस कर दो ये वाला 3,05,764, ये माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया, कितना बन गया, 6 बन गया, ये कितना बन गया, 8 बन गया, 8 में 6 गया 2, ये 15 बना लीजिए, इसको कैरी आ गई, 15 में से 7 गया कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना बन गया, 6 - 5 हो गया 1, 8 - 0 कितना हो गया, 8, एंड ये कितना हो गया, 6। ओके, सो आंसर 6,81,826 वोट मिले हैं, किसको, बी को। सो बी ने पाए हैं 6,81,826 वोट मिले हैं आपके बी को। गाइस क्लियर हो गया एकदम, चलिए तो इसको करिए जल्दी से। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सामने दिया है इस एक बुक में, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग डिक्टेट कीजिएगा। रमेश हेल्प्ड हिज फादर प्लांट इन द गार्डन। रमेश जो है अपने पापा की मदद करता है। ओके, अब देखो ही वर्क 3/4 आवर ऑन थर्सडे।
मतलब थर्सडे को कितने आवर्स मदद करता है वो, 3/4 आवर, ओके है ना, एंड 1:1/3 आवर ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये मदद करता है रमेश 1:1/3 आवर, ओके। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1 3 3 एंड 3+1 कितना हो गया 4/3 आवर, 4/3 आवर हो गया। और इसके बाद में क्या है, एंड 3:1/5 आवर ऑन सैटरडे, सैटरडे तो भैया सैटरडे को मदद करता है कितना, 3:1/5। सो वंस अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, 3 5 15, 15+1 हाउ मच, 16/5 आवर, आर ओके बच्चों। तो कह रहा हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क इन ऑल, ओके हाउ मेनी आवर्स ही डिड ही वर्क इन ऑल, मतलब कि उसने टोटल कितने आवर्स काम किए। सो सिंपल, तो भाई अपन को तीनों को ऐड कर देना, क्या कर देना, तीनों को ऐड कर देना। सो टोटल वर्क, टोटल वर्क आर, टोटल वर्क आर मतलब कुल काम के घंटे, हिंदी में बोला जाए कुल काम के घंटे। सो फर्स्ट है उसके पास थर्सडे का 3/4, 4/3 एंड 16/5। तो बच्चों टोटल ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, जिसको एलसीएम बन जाएगा उस क्वेश्चन का राजा है। सो लेट्स परफॉर्म एलसीएम। सो बच्चों क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है, 4 है, 3 है एंड 5 है। सो वी स्टार्ट विथ 2, ओके, तो 2 2 4, 3 जाने को नहीं, ये भी नहीं जाएगा, फिर 2 अगेन, सो 1 3 एंड 5, देन बाई द 3, सो 1 1 एंड 5 एंड एट लास्ट फ्रॉम द 5, सो वी विल गेट 1 1 एंड 1, राइट गाइज। चलो भाई साहब अब आ जाओ भाई साहब, एलसीएम देख लो, एलसीएम कितना, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ओके, तो 60 एलसीएम आया है। अब 60 में 4 का डिवाइड कीजिए, 60 में 4 का डिवाइड, याद रखिएगा नीचे जैसे a अपॉन b लिखा है तो नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड, और ऊपर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में क्या करते हैं, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं। सो 60 में 4 का डिवाइड करिए, बोलो कितना, 15, एंड 15 में 3 का मल्टीप्लाई, 15 3 ज़ा 45, मजा आ गया, ओके, ने 3 से डिवाइड 60 को, 20 24 ज़ा 80, यस, एंड देन 5 में 16 का डिवाइड कितना, 12, कितना आएगा 12 5 ज़ा 60, और 12 में 16 का मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, 16 × 12, तो एक साथ करूँगा, 12 6 ज़ा 72, कैरी आ गई 7, 12 1 ज़ा 12 प्लस 7 19 192, ओके। सो कितना हो गया भाई साहब अपने पास, 192, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। सो 12 से मैंने किया तो 12 6 ज़ा 72 का 2 आ गया, 7 आ गई कैरी, 12 1 ज़ा 12 प्लस 7 19, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई साहब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सो 45 प्लस 80, ओके, सो 192 प्लस 45 प्लस कितना है 80, सो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 8 प्लस 4 12 12 प्लस 9 21, ओके, सो 1 आया और 2 कैरी आ गए, 2 प्लस 1 कितना हो 3, सो आंसर 317 बाई 60। चलिए अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहीं तक आप छोड़ करके आ जाओ। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 317 में 60 का डिवाइड कर दो, 317 डिवाइड बाई 60, लेट्स सी, भाई साहब 60 के टेबल में 5 बार आता है 300, कितना आता है 300, 6 5 60 5 ज़ा 300, 6 5 ज़ा 30 और एक जीरो और, तो वही 300 हो गया। सो कितना बन गया 7।